नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो पोवा 3 वर्सेस वीवो Y21a का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो पोवा 3 में 6.81 इंच जबकि Y21a में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि पोवा 3 से कम है। विड्थ की बात करें तो पोवा 3 में 3.09 इंच जबकि Y21a में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि पोवा 3 से कम है। बात करें थिकनेस की तो पोवा 3 में 0.37 इंच जबकि Y21a में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो पोवा 3 में 230 ग्राम जबकि Y21a में 182 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो पोवा 3 में 6.9 इंचेस जबकि Y21a में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन पोवा 3 में 1080x2460 और Y21a में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पोवा 3 में 83.43% जबकि Y21a में 81.99% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो पोवा 3 में 389 पिक्सल प्रति इंच जबकि Y21a में 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो पोवा 3 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Y21a की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो पोवा 3 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y21a की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो पोवा 3 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Y21a में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो पोवा 3 में माली G52MC2 जबकि Y21a में पावर GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो पोवा 3 में MediaTek Helio G88 और Y21a में MediaTek Helio P22 मिलता है। बात करें RAM की तो पोवा 3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि Y21a में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो पोवा 3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Y21a में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो पोवा 3 में अप टू 512GB जबकि Y21a में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी पोवा 3 में 7000mAh जबकि Y21a में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो पोवा 3 में 3 कलर्स जबकि Y21a में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पोवा 3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,390 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Y21A की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,449 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो पोवर 3 में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें वीवो Y21A की तो उसमें 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में पोवर 3 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में पोवर 3 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Xiaomi Redmi 10A है, तीसरा Oppo A16K है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G71 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।